यमुनानगर एंटी नारकोटिक्स टीम का प्रहार लगातार नशे पर जारी है। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने 7 ग्राम स्मैक के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पल्सर बाइक पर नशे की तस्करी कर रहा था। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पुलिस ने जांच से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं आरोपी से बरामद की गई बाइक भी अभी पुलिस जांच कर रही है। लगातार नारकोटिक्स टीम नशे के खिलाफ अपनी मुहिम चला रही है। अगर बात करें बीते साल की, तो साल 2022 में उनकी टीम ने 104 मामले नशा तस्करी के दर्ज किए हैं। 260 आरोपियों को जेल भेजने का काम किया है। कल हमारे घर मिली थी नवाब कॉलोनी में कोई नशा बिक रहा है, जिसके आधार पर हमने अपनी टीम एक टीम को गठित किया और टीम मुखबिरी के आधार पर हमें युवक को मोटरसाइकिल सहित काबू किया। जब मोटरसाइकिल सहित काबू करने के बाद उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम लखन उर्फ लक्की बताया। तो हमने मजिस्ट्रेट को मौके पर बुला के उसकी तलाशी कराई गई। जो आरोपी से 7 ग्राम स्मैक बरामद हुई है और जो मोटरसाइकिल था उसकी भी छानबीन कर रहे हैं, उसका नंबर अलग अलग हुआ है वो वेरीफाई कर रहे हैं और जो भी होगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, साल में कितने आरोपी पकड़े हैं, क्या कुछ नहीं है? हमने करीब 260 आरोपी को काबू किया है पूरे साल में। जो नशा बेच रहे थे उनको जेल में भेजा है और लगभग हमने 104 मुकदमे दिए एंटी पेस और अन्य लोकल एंड स्पेशल ला के भी आर्म्स एक्ट और शराब वगैरह के भी मुकदमे दिए। ये अब जो भी पहले हमारा जो आए थे इसमें नशा के इसमें आए थे जो भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं उनके नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और एसपी साहब का भी नशे को लेकर जो डायरेक्शन दी हुई है, जो भी नशा बेच रहे हैं उनके लिए सख्त से सख्तीदायक है, या तो अपना यहाँ से नशा बेचना बंद कर दें और या अपना जो ईमानदारी से अपनी रोटी खाए कमाएँ और जो नशा बेचेगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यमुनानगर से परवेज खान की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम, एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें, जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।